नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। राशिफल 19 जनवरी 2021 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग से, फिर जानेंगे आज का राशिफल और कुछ विशेष बातें। सूर्योदय होगा 7:17 पर, सूर्यास्त होगा 5:43 पर। पक्ष है शुक्ल पक्ष पष्टी, तिथि है पष्टी, नक्षत्र है उत्तर भारप्रद्र और वार मंगलवार। चंद्र राशि मीन, अभिजीत मुहूर्त 12:10 PM से लेकर 12:52 PM तक। राहु काल है 3:08 PM से लेकर 4:26 PM तक। ये था आपका आज सुबह का संक्षिप्त पांचांग। शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त में करिए शुभ और महत्वपूर्ण काम, राहु काल में रखिए सावधानियां। अब आज आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का विशेष यह है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में एकादश भाव यानी 11वें भाव में बुध बैठे हुए हैं तो आपको अंडे खास करके नहीं खाने चाहिए। वैसे तो मांसाहार किसी को नहीं करना चाहिए, धर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार, लेकिन फिर भी अगर कोई करता है तो उसमें से उसको अंडे नहीं खाने चाहिए, नहीं तो बुध और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिए कि एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ अंगूठियाँ या पूजा पाठ होता है, ऐसे उपाय करके भी ग्रहों को सुधारा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं नए युग की नई एस्ट्रोलॉजी। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको सुधार कर अपने व्यक्तिगत जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे S15 की। S15 यानी सुलेमानी हकीक। अब S15 क्यों आपको लेना चाहिए, सबसे बड़ा प्रश्न है। हमारे पास तो पहले से भी बहुत सारी अंगूठियां हैं, हमारे पास तो पहले से भी बहुत सारे लॉकेट हैं, अब हम इसको क्यों लें, इससे क्या होगा? तो मैं आपको इतना बता देता हूं, ये जब आपके पास होगा, आपकी राशि कोई सी भी हो, ये जब आपके पास होगा आपके गले में या लॉकेट के रूप में या आपके पास आपके पर्स में या आपके बैग में, आपके ऑफिस में, आपके घर में, कार्य क्षेत्र में, जब ये सुलेमानी हकीक होगा तो वहाँ पर गरीबी, दरिद्रता, भुखमरी, बीमारी, शत्रु, नज़र, भूत, प्रेत, तंत्र मंत्र, शत्रु, ये सब नहीं आ सकते, क्योंकि इसके अंदर हनुमान जी का वास है और शनि राहु केतु आपका सुई के बराबर भी नुकसान नहीं कर सकते हैं। और शाड़े छाती या ढैया का भी कोई असर नहीं होगा और जीवन में आप सुरक्षित हो जाएंगे। बाकी रत्न कोई पैसा देगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा, लेकिन इसको लेकर आप सुरक्षित हो जाएंगे। जो भी कुछ होगा आपके पास वो बचेगा, सुरक्षित रहेगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा। इसके साथ ये काले घोड़े की नाल का छल्ला भी आपको मिल सकता है। मात्र कल का दिन बचा हुआ है, मंगलवार का, अगर आप लकी हुए तो ये सुलेमानी हकीक आपको मिल जाएगा। सबकी किस्मत पे नहीं है, पैसा सबके पास है, धन दौलत सबके पास है, लेकिन सुख खरीदना और सुख लेना सबकी किस्मत पे नहीं लिखा होता है। तो अगर ईश्वर ने चाहा तो आप ले पाएंगे, ईश्वर नहीं चाहेगा तो आप लाख कोशिश कर लें, आप नहीं ले पाएंगे। लेकिन ईश्वर ये भी कहता है कि आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको इस सुलेमानी हकीक के बारे में जानकारी दे दी। ये सुलेमानी हकीक 1500 रुपये का है, चांदी में बढ़ा हुआ होगा, 10-11 कैरेट के आसपास होगा, विद सर्टिफिकेट होगा, लैब टेस्टेड होगा और इसके साथ में काले घोड़े की नाल का छल्ला भी आपको फ्री मिल सकता है, अगर आप 50 लकी विजेताओं में आपका नाम हुआ तो। सोमवार के 50 लकी विजेता चुन लिए गए, अब कल मंगलवार के 50 लकी विजेता चुने जाने बाकी हैं। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग पेमेंट करेंगे तो देखते हैं उसमें से शायद आपका भी नंबर। बात करते हैं राशिफल की, फिर कहूँगा
S15 लिखकर व्हाट्सएप करें। और अंत में महिला पुरुष बच्चे सभी पहन सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि की। आपका आज दिन बढ़िया है। निश्चित रूप से आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापारी वर्ग को निश्चित रूप से लाभ होगा। शेयर मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बड़ा लाभ कमा सकते हैं। आप आत्मनिर्भर होंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। नौकरी व्यापार में सौभाग्यशाली दिन है। आपका जो निर्णय लेने का तरीका होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, और सोच विचार कर आप निर्णय लेंगे तो गलती हो इसकी गुंजाइश बहुत कम बचेगी। जल्दबाजी मत करिएगा, बहकावे में बताइएगा। आज आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खर्चा करेंगे। खर्चा बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन अगर ज़रूरत का है तो आप करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो हजारों में हो या सैकड़ों में हो या लाखों में हो। विवाहित लोगों के रिश्ते ससुराल पक्ष से बेहतर होंगे। रिश्ते में करीबियाँ होंगी। दिल में कोई गिले शिकवे हैं तो वो मिट सकते हैं। आपकी नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। मन में आने वाला हर विचार आप पूरा करने के लिए खूब कोशिश खूब मेहनत करेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें पूरी हो जाएं, कुछ चीज़ें ना हो पाए आज, तो कुछ काम बनेंगे कुछ काम नहीं बनेंगे, ऐसा भी होगा। तो निराश मत होइएगा, एक इंसान जितना कर सकता है उतना आप कर लेंगे। रिश्तों में तनाव को दूर करने के लिए आपको कोशिश करनी है, नहीं तो दुख होगा। पैसा आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन दो दिल आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, तो लोगों में अच्छा प्यार नहीं है, तो ये आपको बहुत ध्यान देना है। शादी अगर आपकी हो गई तो जीवन साथी से बहुत अच्छे से बातचीत करनी है। प्यार के संबंध चल रहे हैं तो वहाँ पर भी, दोस्ती में वहाँ पर भी, बॉस के साथ भी, सहकर्मियों के साथ भी, यानी कि आज रिश्तों में आपको जान फूंकने की ज़रूरत है। आज आपकी कोशिशें दिल से दिल को मिला सकती हैं। आज आपकी सपोर्ट से किसी और के दिल मिल सकते हैं, यानी आज आप लोगों की लकी साबित हो सकते हैं। इंतज़ार नहीं करें, आज शुरुआत करें, वक्त आ गया है। अब ये मत कहिएगा कि कर लेंगे, कर दीजिए, तो इससे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो हनुमान जी की उपासना, शिव जी की उपासना करते रहिए आज, और सुलेमानी हकीक को पहनकर हनुमान जी को अपने नज़दीक बुला लीजिए, यानी कि जहाँ सुलेमानी हकीक वहाँ पे हनुमान जी का आशीर्वाद, और जहाँ पे हनुमान का आशीर्वाद वहाँ श्री राम का आशीर्वाद, और श्री राम है जहाँ, वहाँ पर दुख दर्द दरिद्रता नहीं होती है, ये आप भी जानते हैं। बाकी आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी है, जन्म कुंडली में कोई दोष है, आप तकलीफ में हैं, आप परेशानी में हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अपनी कुंडली को दिखाएं, और अपनी कुंडली को दिखाकर अपने बारे में जानने की कोशिश करें, ताकि आपका जीवन भी अच्छा और सुरक्षित हो जाए। बाकी ईश्वर सब भला करें। नमस्कार।